सर पे कुदरत की, फनकार ने दस्तक दी। फिर चलने लगा जादू और फूट पड़ा दरिया। वो के खजानों का पत्थर होके शीशा हो, लकड़ी होके कपड़ा हो, धातु होके नगीना हो, धागा हो या मिट्टी हो, हर शय से उभर आया जीवन का नया। तहरीर शिफाकत है, अनमोल विरासत है, अनमोल विरासत है। आपको लेकर चलते हैं पतंगों की रंग बिरंगी दुनिया में। पतंग उड़ाना कदीम जमाने से ही हिंदुस्तानी तहजीब का अटूट हिस्सा रहा है। पतंग शायद वो पहला और कदीम तरीन जरिया है जिससे हमारे आबाओ अजदाद की आसमान छूने की आरजुओं को हवा मिली। सिर्फ आम इंसान ही नहीं, कितने शायरों, अफसाना निगारों, साइंसदानों, फलसफियों और दानिश्वरों ने इसे अपने तख्लीकी इजहार का जरिया बनाया। आज हर मैदान में इंसानी तहजीब की बे इंतहा तरक्की के बावजूद पतंगबाजी का शौक अपने उसी कदीमी जज्बे के साथ बरकरार है। पतंगे आशिकों का भी बहुत बड़ा सहारा थी जिन्हें वो अपने महबूबों को पैगामात भेजने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इंसान किसी भी नस्ल का हो, किसी भी मुल्क का हो या किसी भी उम्र का हो, पतंग तो सबको पसंद आती है। बच्चे वो तो कटी हुई पतंग को देखकर दीवाने से हो जाते हैं। पतंगबाजी के शौकीन किसी भी मौसम की सख्ती को बड़े आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं और शायद ही पतंगबाजी के अलावा कोई दूसरा ऐसा खेल हो जो जज्बात में ऐसी सनसनी और थरथरी पैदा कर सके। पतंगें जब तेजी से आसमान की ओर बढ़ती हैं तब हमारे जज्बे तमाम तर शिद्दतों के साथ बुलंद परवाज करते हैं। ये पतंगे हमारी ख्वाहिशों और तमन्नाओं की पैकर हैं। पतंग का चीनी नाम फिंसिंग है जिसका मतलब हवाई बाजा है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शुरू में चीनी पतंगों के साथ साथ मौसिकी के साज भी बांधे जाते थे। हम हिंदुस्तानियों के लिए ये पतंगे खुशी, खुशहाली, आज़ादी और अमन की अलामत है। क्यों जमाल भाई, मैंने ठीक कहा ना? चलिए चलते हैं फिर। आम ख्याल ये है कि पतंगबाजी का सिलसिला आज से 2800 साल पहले चीन में शुरू हुआ
और चीनी सयाहों ने ही हमें पतंगों से रूबरू करवाया और यही वजह है कि हमारी पतंगे चीनी पतंगों से काफ़ी मिलती जुलती हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महाभारत के वक्त से ही हिंदुस्तान में पतंग उड़ाई जाती थी। उस वक्त इनका इस्तेमाल एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पैगाम पहुंचाने के लिए किया जाता था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हिंदुस्तानी दस्तावेजी सबूत पतंगों का सबसे पुराना मिलता है शुरुआती मुगल दौर में बनाई गई एक मिनिएचर पेंटिंग में। दुनिया में बनने वाली पतंगें 1 सेंटीमीटर से लेकर 20-25 फीट बड़ी हो सकती हैं। पतंगें कई किस्मों की होती हैं, क्योंकि हर उम्र और हर मिजाज के लोग इन्हें उड़ाया करते हैं। ये सादी से सादी और खूबसूरत आरइश वाली होती हैं, लेकिन इनका बुनियादी ढांचा बिल्कुल एक सा होता है। हर तरह की पतंग का बुनियादी ढांचा और सांचा एक जैसा ही होता है। हमारे मुल्क में भी और बैरून ममालिक में भी पतंग मुरब्बा शक्ल की होती है। पतंग बनाने के लिए बांस की खपचियां, तरह तरह के कागज, प्लास्टिक शीट्स, कैंची और गोंद, जो कि कभी कभी घर में बनाई जाती है और कभी कभी बाहर से खरीदी जाती है, इनका इस्तेमाल होता है। आज हम जमाल भाई से एक सादी पतंग बनाना सीखेंगे और जमाल भाई हमें उनके हुनर में शरीक करेंगे। आज हम एक पतंग बना रहे हैं और इस पतंग बनाने के लिए हमें जो मटेरियल की ज़रूरत है उसमें बैम्बू स्टिक्स हैं। इसमें दो तरह की बैम्बू स्टिक हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो कमान होती है जो इस पतंग के बाजू कहलाती है। ये थोड़ी लचीली होती है और लंबी होती है। इसे इस तरह राउंड दिया जाता है जिसे कमान कहते हैं। ये एक तरह के पतंग के बाजू होते हैं। दूसरा एक और स्टिक होती है जो स्ट्रेट रहती है, ये इसकी कमर कहलाती है। छोटी जो होती है वो ठड्डा कहलाती है, जैसे कि ये है। और इसके अलावा हम पेपर की पतंग भी बनाती है, जो नॉर्मली पेपर की पतंग ज़्यादा बनती है। हम चाहें तो प्लास्टिक की भी बना सकते हैं। और इसके लिए सीज़र यानी कैंची ज़रूरी है एक, और थोड़ा गम भी ज़रूरी है। तो जमाल भाई चलिए पतंग बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सामान थोड़ा साइड कर देते हैं। जी, ये हट कर देते हैं। तो कागज़ की पतंग हम आपको बनाने दिखाते हैं पहले। ये जो शीट्स बहुत सारी गटी हुई थी, इसमें से एक शीट लेते हैं और उसके हिसाब से पहले हम जो इसकी कमर कहलाती है ठड्डा, वो निकालते हैं कोई सही देख के। पहले तो ठड्डे को देखना पड़ेगा कि ठड्डा सीधा है, लचकदार है। और इसको यहाँ लगा के इसका साइज़ देख लेंगे और फिर इसको बाकी एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर देंगे। तो ये इसका ठड्डा, पहले इस पर हम थोड़ा सा घर का बना हुआ गम जो होता है वो यूज़ करते हैं। उसके एक साइड पे हम ठड्डे के एक गम इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का हल्का लगाना है। ज़्यादा लगाएंगे तो कागज़ गल जाएगा, फट जाएगा, इसलिए हल्का हल्का लगाते हैं। और थोड़ा सा इसको हवा देते हैं ताकि ये सूख जाए आसानी से। फिर हम इसको यहाँ रख के सेंटर में बिल्कुल रख के इसको पेस्ट कर देंगे और इसको पलट के हम हल्का सा प्रेस करते हैं ताकि ये इजीली सेट हो जाए। ठीक है, अब हमारी ये कमर तैयार हो गई पतंग की। अब हम इसके लिए कमान लेंगे। कमान को जो लेंगे हम, तो इसमें सबसे मेन चीज़ है इसकी इक्वलिटी देखते हैं कि इसका राउंड एक होना चाहिए। देखिए जिस तरह से ये राउंड आ रहा है, इसमें एक साइड है एक साइड नहीं है। तो हम इसको दूसरी साइड से बैंड देंगे ताकि कमान इक्वल हो जाए दोनों साइड से। ये देखिए, इसको रखने के बाद हम इसका जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको काट देंगे। ये एक्स्ट्रा हिस्सा हमने इसका हटा दिया। अब पहले की तरह हम इस पर गम कमान पे गम नहीं लगाते, गम लगता है इसके दोनों साइडों में हल्का हल्का सा। और इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर देते हैं इस पर ताकि ये ज़्यादा गीला ना रहे। फिर कमान के दोनों हिस्सों पे ज़रा ज़रा सा टच कर देंगे ताकि ईजीली ये चिपक जाए। इसे इस तरह रख के यहाँ पर हम हल्के हाथ से इसको बैंड देंगे और पेस्ट कर देंगे इस। अब जस्ट 1-2 सेकंड का टाइम देंगे ताकि ये सूख जाए।
फिर इसके बाद हम ये दूसरा पेस्ट करेंगे। दोनों को मिला के हमने सेट कर दिया। अब ये पतंग के लिए हम पहले बेस बनाएंगे इसके, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। ये इसके पिट्ठे भी कहते हैं हम इनको, और इसको जो है पतंग बनाने में ज़रूरी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो ये पतंग कमान यहाँ से निकल जाएगी और फट जाएगी, पतंग उड़ नहीं पाएगी। तो ये इसके सपोर्टर भी होते हैं, और इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं। इसके बाजूबंद होते हैं, इसको बाजूबंद भी कहा जाता है। ये पतंग को बंदिश कर देते हैं, ये इसकी बंदिश करते हैं हम पतंग की। इस पे पेस्ट लगा के छोटा सा कागज़ जो इसके साइड में लगाते हैं, ये कमान जो यहाँ से निकल रही है, ये पतंग जब उड़ेगी तो ये निकल जाएगी और फट जाएगी। इससे दो काम होते हैं, एक तो पतंग को सपोर्ट मिलती है, दूसरे पतंग के अंदर तनाव आ जाता है। जैसे आप पतंग लूज़ पड़ी हुई है, ये हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये स्टेप जो है आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई एक परमानेंट कलर हो इसके लिए। इसमें आप चाहे रेड कलर यूज़ कर लें, चाहे ग्रीन यूज़ कर लें, कोई सा भी यूज़ कर लें। और इसमें आप कुछ डिज़ाइन भी दे सकते हैं, जैसे कि रेड है तो हम इसको कुछ भी डिज़ाइन दे सकते हैं इस तरह से। गम ज़रा अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाए तो वो पतंग को ख़राब नहीं करेगा, कागज़ ख़राब नहीं करेगा। इसको हम यहाँ लगाएंगे ताकि ये ऊपर से इसका मुंह जो है वो अच्छा लगे। आपने ये जो बाजूबंद लगाई है कागज़ की जी, ये दो ही लगती हैं अगर पतंग बड़ी हो तो? शायद आप ज़्यादा लगाते हो। नहीं, वैसे तो नॉर्मली दो ही लगती हैं, अगर बड़ी पतंग है तो उसमें इसको हम थोड़ा सा डिस्टेंस दे के लगा सकते हैं, चार कर सकते हैं जी, लेकिन दो में ही आ जाती है। उसमें हम ये जो बंदिश है ये छोटा लगा है, बड़ी पतंग में फिर बड़ा बंदिश लगता है जी। तो ये आगे दूसरा, ये हमने एक तो इसके मुंह पे लगाया और एक ये हम दूसरा इसके कमर पे लगाते हैं, ये इस जगह पर जहाँ हमें कन्ना बांधना होता है। इस पतंग का कन्ना बनता है, तो एक कन्ना यहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है। तो इसमें क्या होता है कि हम कन्ना जब बांधते हैं तो उसको कागज़ मिल जाता है, खाली इस लकड़ी पे अगर डोर आएगी तो वो जल्दी कट जाती है। ये दो पेस्ट हमने यहाँ किए और एक पेस्ट हमने यहाँ किया है। यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि कमान ठड्डे से जो है डोर कट जाती है, तो यहाँ जब हम इसके कन्ने बांधते हैं तो उसको सपोर्ट मिल जाती है धागे को, जल्दी कटता नहीं है। ऐसे ही हम एक टेप यहाँ पर भी लगाएंगे इसके कमाने के ऊपर। ये जो हम छोटी सी स्टिक लगा रहे हैं यहाँ कमान पर, वो इसलिए है ताकि धागा ना कटे, इसमें जो हम कन्नी बांधते हैं वो ना कटे, उसके धागे को मजबूत करने के लिए ये लगाते हैं। इधर और इधर कन्नी बनते हैं तो वो उसको सपोर्ट मिलती है कि धागा कटे नहीं जल्दी लकड़ी से। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको सेट कर लेते हैं तो हम इसमें लगाते हैं इसका पत्ता, जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है पतंग की। एक ट्राइंगल शेप ले लेते हैं। जमाल भाई, अभी तक की सबसे बड़ी पतंग आपने कितनी बड़ी बनाई और कब बनाई थी? हमने सबसे बड़ी पतंग जो बनाई है अब तक जी, वो 400 स्क्वायर फीट की बनाई है। 400 स्क्वायर फीट जी। और कब? ये हमने बनाई है आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हुए थे। ये दो पीस होते हैं, इसमें इसको पहले तो हल्के हाथ से हम हल्का सा गम लगाते हैं इधर और हल्का सा इस तरफ, फिर हम इसको बैक करके इस तरह इसकी डंडी की नोक से मिला के लगाते हैं। हल्का से इसको प्रेस कर देते हैं, फिर हम इसको राउंड देते हैं और ये बैम्बू स्टिक्स जो होती हैं इसको काट के पतली कर लेते हैं, जो कि इस पत्ते को सपोर्ट देती है, पत्ता ये हवा में जाके मुड़ता नहीं है। इस पर हल्का सा गम लगा के एक तो यहाँ पेस्ट करेंगे और दूसरा इसके अपोजिट साइड,
यहाँ पेस्ट करते हैं। फिर जो दूसरा इसका पत्ता है उस पर भी हम हल्का सा गम लगाएंगे। पूरे पे नहीं लगाना होता, सिर्फ साइड्स लगाते हैं और फिर बिल्कुल इसके ऊपर सेट कर देते हैं, पत्ते से पत्ता मैच करते हैं। और ये आपकी पतंग तैयार है, अब आप इसको उड़ा सकते हैं। इसमें दो होल यहाँ करते हैं हम, जिसमें धागा बांधने के लिए, और दो यहाँ करते हैं, उससे इसको कन्नी बनती है। फिर हम इसको आराम से इजीली फ्लाई कर सकते हैं पतंग को। देखिए ये पतंग आपकी इस तरह तैयार हो गई है, आप देखिए। ये तो बहुत ही दिलचस्प था पतंग बनाना, ये कितनी आसानी से आपने इतनी खूबसूरत पतंग बना दी। जमाल भाई, अब आप इसमें सुराख करके हमें धागा बांधना भी सिखा दीजिए। धागा बांधते हैं, और इसमें पतंग मैंने सिंपल बनाई है, इसमें चाहें तो आप, मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। इसमें डिज़ाइन भी कर सकते हैं आप इस तरह से, ये देखिए, इसमें बड़ा साइज भी ले सकते हैं हम, उसमें डिज़ाइन जो चाहे वो बना लें, लेकिन इसको स्क्वायर शेप देना पड़ता है। दोनों तरफ एक जैसा बनाएंगे तो ज़्यादा गेटअप आएगा। और इसको हम और दूसरा तरीका भी देखते हैं, ये देखिए, इसमें हम चार पेस्ट किए हमने, और फिर इसमें बीच में एक और पेस्ट किया, तो ये और ख़ूबसूरत लगेगा। इस तरह हम कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं, तो ये एक दिलचस्प तरीका है। उसमें हम चाहे ये टेल जो आप दिखाई मैंने आपको, ये टेल लगा लेंगे हम, चाहे तो इसमें लंबी टेल लगा लें, वो और ख़ूबसूरत लगेगी पतंग उड़ते वक्त। और आपको मैं एक और पतंग दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारे हिंदुस्तान की शान तिरंगा, और हम ये पतंग स्पेशली बनती है 15 अगस्त पर, जब हम उड़ाएंगे तो तिरंगा आसमान पर लहराता हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। चले जमाल भाई, फिर तो साथ ही में पतंग उड़ाएंगे इस बार 15 अगस्त को। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि कई बार आसमान में हम एक साथ 3 पतंगे 4 पतंगे बंधी हुई उड़ते हुए देखते हैं, तो वो पतंगे उड़ाते वक्त ही साथ में बांधी जाती हैं या फिर आप उस तरह के पतंगे भी बनाते हैं? वो पतंगे भी बनाते हैं हम जी, और उसको उड़ाते वक्त नहीं, पहले ही सेट किया जाता है। उसमें सबसे मेन जो होता है उसका डिस्टेंस सेट करना पड़ता है। उस पतंग जो है वो भी स्पेशल बनती है, उसमें पतंग का साइज़ भी एक रखना पड़ता है, पतंग का जो ठड्डा हम लगाते हैं, जो कमान लगाते हैं, इनका मेजरमेंट भी बिल्कुल इक्वल रखना पड़ता है। और उसमें 3-4 नहीं, हम एक डोर पे 100 पतंग उड़ाते हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे मेन बात, हम अपना तिरंगा ही झंडा उसमें बनाते हैं जी, ताकि आसमान से ज़मीन तक हमारा तिरंगा ही झंडा लहराए जी। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए जमाल भाई, आप हमें इस पतंग में आप धागा बांध कर ज़रा दिखा दीजिए जी। बिल्कुल, ताकि हम कल पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हों। तो आपको मैं कन्ना बांध कर ही दिखा देता हूँ एक पतंग में। पहले तो हम दो सुराख करेंगे उसमें, बारीक से कोई तीली लीजिए और उसे बारीक कर लीजिए एक साइड से, या कोई नोकीली चीज़ हो, पेन हो या कुछ हो, उससे एक हम इस तरह होल करेंगे इस तरह से, और एक इस तरह होल करेंगे, और दूसरा होल हम यहाँ करेंगे नीचे। ये दो होल यहाँ किए जाते हैं ताकि इसकी कमर कहलाती है, ये यहाँ से हम इसको टाइट करेंगे, और दूसरे होल जो है वो इसकी कमान के ऊपर होते हैं। एक सुराख हम इस तरफ करेंगे और एक इस तरफ, ताकि हम जब यहाँ से निकालें तो ये दोनों पेस्ट बन जाएं, एक दूसरे से मिल जाएं, गर्दन और कमर। अगर ये मिलेंगे नहीं तो पतंग उड़ेगी नहीं। अब हम इसमें कन्ना बांधेंगे, ये देखिए, धागे को हमने इस तरह रोल किया, और इसमें पहले एक होल में लेके फिर दूसरी साइड से पकड़ के वापस दूसरे होल में निकाला, इस तरह से करेंगे हम। अब इन दोनों को यहाँ टाई कर देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड भी करेंगे। इधर से लेके गए हम, ये पलट के वापस इसको। पाकिस्तान में भी पतंगे उड़ाई और लड़ाई जाती हैं। पतंग यूनान और किब्रिस जैसे मुल्कों की तहजीब का भी हिस्सा हैं। ठीक है, अब हम जो इसको टाई करेंगे दोनों को, तो थोड़ा ये पतंग
तो ये पीछे का डोर जो है और आगे वाली डोर से थोड़ा सा माइनस होना चाहिए ताकि पतंग ऊपर जाके एकदम राउंड चक्कर ना खाए, बिल्कुल थोड़ा सा इजी ये हवा में लहराती रहे इस तरह से। अगर हम ये पीछे का ज़रा सा बड़ा रखेंगे तो ये घूमती रहेगी पतंग हमारी, इस तरह से पतंग बिल्कुल ईजी रहेगी और स्मूथ रहेगी आपके उड़ते में। ठीक है, तो आप ये पतंग आपकी रेडी, अब आप इसको घर ले जाइए उड़ा लीजिए। तो अब ये पतंग धागे बांधकर तैयार है, इसे उड़ा सकते हैं जमाल भाई? जी बिल्कुल, देखिए अब ये इस तरह से आप देखिए उड़ेगी आसमान में पतंग, बहुत बढ़िया। अब इसमें डोर बांधेंगे और उड़ाएंगे इसको, देखिए। चलिए जमाल भाई, अब पतंग बना ली है, चल के उड़ाते हैं। ठीक है, आप हमें उड़ाना भी सिखाइए। चलिए उड़ाते हैं। पतंगबाजों को गुरूर है अपने आबाओ अजदाद पर। हकीम लुकमान थे, उन्होंने कहा कि कोई चीज़ ऐसी बनाइए जो आंखों से दूर जाए और फिर करीब आए, फिर दूर जाए फिर करीब आए, ये पतंगबाजी की। भाई मियाँ, मेरे जहन में रह रह कर एक सवाल बार बार आता है कि आखिर पतंगबाजी के फन से फनकार को मिलता क्या है? पतंगबाज को पतंगबाज की पतंग उड़ाने से उसको खुशी मिलती है, और पतंगबाजी एक अच्छी चीज़ है, वर्जिश भी होती है, बहुत अच्छी है, हाथ पैर चलते हैं तो वर्जिश होती है पतंगबाजी। पतंगबाजी हमारी दिल और जान है और हमारा इसके अंदर साथ कुछ है, और अब तक जब तक ये सूरज चांद रहेगा पतंगबाजी उड़ती रहेगी और आसमान पे चमकती रहेगी। पतंग, डोर और फिरकी का खेल है पतंगबाजी। बाजार में फिरकियां प्लास्टिक और लकड़ी की भी दस्तयाब हैं, जिन पर सादी डोर और मांझे को लपेटा जाता है। डोर, जिसे मांझा भी कहते हैं, एक अहम और सादा जरिया है जिसके ऊपर सवार होकर पतंग हवा में परवाज करती है। देखिए, फन तो ये हमारा खानदानी काम है जी। 1902 से हमारे घराने का ये काम चला रहा, हमारे बाप दादाओं ने ये काम किया है जी। हम बेचते भी हैं, हाथ से बनाते भी हैं, और इसको बनाने में हमें खुशी भी होती है जी। और 15 अगस्त के टाइम पे यहाँ दुकान लगती है, मुरादाबाद यूपी से आते हैं हम यहाँ पर दुकान लगाने। पतंग बनाने का हुनर कोई भी सीख सकता है, बस जरूरत है तो थोड़ी सी समझदारी और इसे जरा सी तवज्जो देने की। मैंने तो अपना हाथ आजमा लिया और मुझे लगता है कि आपको भी एक बार अपना हाथ इन खूबसूरत पतंगों पर जरूर आजमाना चाहिए। पतंगबाजी हमारे भरे पूरे तहजीबी वर्षे का जश्न है, ये हमारी फतेह मंदी, हमारे जोशो खरोश और हमारे जज्बे आजादी का एक मुजाहिरा है। इसे देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, ये बात आप भी मानते ही होंगे। दुनिया भर में पतंगबाजों के कई ग्रुप्स और क्लब्स हैं, इनके दिलों दिमाग और रूह पर पतंगबाजी बसी हुई है। कई सरकारी और निजी तंजीमें पतंगबाजी से जुड़े मेलों का एहतमाम करते रहते हैं, और इन मेलों में तमाम तरह की पतंगे और पतंगबाजी की नुमाइश की जाती है। और एक बड़ी खूबसूरत बात, हमारे देश में दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पतंगबाजी से जुड़े कई तीज त्योहारों का आयोजन होता रहता है। कई और मुल्क भी ऐसे हैं जहां पर पतंगबाजी से जुड़े मेले लगते हैं, और इन मेलों में पतंगबाजी के आशिक तरह तरह के साइजेस वाली, तरह तरह के रंगों वाली और तरह तरह की पतंगों की और पतंगबाजी की नुमाइश करते हैं। दुनिया में पतंग उड़ाना दूसरे तमाम खेलों के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है। I bring with me greetings from England, where I am a kite maker, a kite designer and a kite flyer. And my interest and passion for kites has led me to all corners of the world, to nearly all the continents, where I have been able to enjoy and share that interest with the kiting community from all over the place. At the moment here in Delhi,
we're enjoying maybe not so much wind, but certainly this community of kite flyers where we meet and do what we do best. I'm flying kite in Holy Land. So when I'm flying kite, that is for me, I'm directly contact to God to say thank you that I get very happy, better than another happy for me. You are seeing the kites from 20 feet to 2-inch kites. So we are showing our art to the Delhi. So young generation come up and take up this art. It's really a good hobby. You can enjoy with your family. No age boundings. Kites jo hai na abhi सारे लोग जो है ना एंजॉय करेगा, जो है ना बच्चे से बड़े तक पूरा एंजॉय करेगा। जो आउटडोर गेम है अभी प्रेजेंट, पब्लिक जो है ना पूरा इंडोर गेम खेल रहा है। बच्चों के लिए जो पूरा एजुकेशन और जो सब पूरा बिजी हो गया, बाहर आके खेलने के लिए टाइम नहीं और स्पेस भी नहीं है। और ऐसे गेम है जो है ना पूरा बॉडी एक्सरसाइज होगा। जनूबी अमेरिका के बास ममालिक में पतंगबाजी के अंदाज हैरत अंगेज तौर पर हमारे मुल्क जैसे ही हैं। जो काइट है, काइट उड़ाने से उसको उनको क्या क्या फ़ायदे हैं शायद उनको मालूम भी नहीं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि उनको जब वो काइट उड़ाएंगे उनको सूरज से विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी मिलने से उनकी हड्डियां मजबूत होंगी और वो सारी उम्र उनको कोई हड्डियों की तकलीफ़ नहीं होने वाली है। नंबर दो, जब वो काइट उड़ाएंगे उनका जो माइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बनेगी। हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत, हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत, हमें महफूज रखो, हमें जिंदा हिंदुस्तान के। पतंगे इंसान की आज़ादी, उसके आसमान में परवाज करने और बुलंदियों को छूने के जज्बे का जश्न है। पतंगे फिजा में मोहब्बत और इंसानी एहतियात के वो पैगाम हैं जो सारी दुनिया को एक डोर में बांधे हुए हैं। तो ये था हमारा आज का सफर। वापसी मिलेंगे बहुत जल्द हम किसी नए फन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है